गणपति विसर्जन के चलते ईद मिलाद उन नबी का जुलूस पोस्टपोन कर दिया गया है। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ने 18 सितंबर को जुलूस का दिन तय किया है। हजरत मोइन मियां ने क्या कहा सुनिए। 18 सितंबर को जश्ने विलादत रसूल जो है वो जुलूस की शक्ल में निकाला जाएगा। 18 सितंबर की तारीख ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी ने तय की है उलमा आइम्मा के इत्तफाक के साथ। तो इस जुलूस को जो है आगे क्यों बढ़ाया गया, क्या इसकी वजह रही और किस वजह से आपने जो है आगे बढ़ाया जुलूस को? देखिए, गणपति विसर्जन है, इसके लिए जो है इस जुलूस को जो है वो 17 के बजाय 16 के बजाय 18 को कर दिया गया। तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो आपने कौमी यकजहती का काम किया है उसके लिए आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से यानी मामला खराब करने की कुछ फिरका परस कोशिश कर रहे थे तो आपने जो है आगे बढ़ा दिया जुलूस को, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सबके इत्तफाक के साथ यहाँ बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से आए हुए हैं जिसमें थाना, मुमरा, भिवंडी, मालेगांव, धुलिया, नासिक, बहुत पूना, न्यू बम्बई, बहुत सारे लोग जो जुलूस जहाँ जहाँ से निकालते हैं, विक्रोली, वो सारे लोग यहाँ आए हैं। सबके इत्तफाक ने सबने इत्तफाक किया है कि हमको महाराष्ट्र में हमको अमान कायम रखना है और हम खुद अपना जुलूस जो है वो 2 दिन आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से 18 तारीख का जुलूस ईद मिलादुन्नबी तब्दील किया गया है, क्या उस मौके पर सरकारी गवर्नमेंट छुट्टी पे इस तरह से डेलीगेशन देंगे? जी, अमीन पटेल साहब ने अभी अपनी बात रखी है कि वो मुख्यमंत्री से मिल के सारे जिम्मेदारों के साथ जो है वो 18 तारीख को हॉलीडे के लिए रिक्वेस्ट